स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने, जहां देखिए कैसे यूक्रेन एक हमला करता है, पुतिन 100 हमले से उसका बदला लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब बैटल ऑफ कैपिटल की हो चुकी है शुरुआत, यानी एक दूसरे की राजधानी पर हमले का दौर। हालांकि अब यूक्रेन ने मॉस्को में अटैक किया तो रूस ने इसका बदला लेने के लिए कीव को टारगेट किया। यूक्रेन को एक धमाके की कीमत कई धमाकों से चुकानी पड़ रही है और सुमी को खंडर में तब्दील करने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जहां भी यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं वहां बारूदी प्रहार किया जा रहा है। माना तो यह भी जा रहा है कि यह युद्ध फाइनल दौर में है जिसमें बेहिसाब बर्बादी होगी, नतीजा सर्वनाश या फिर सरेंडर से ही होगा तय। यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक गूंजने लगा सायरन। कुछ ही देर बाद आसमान में देखा वो घातक मशीनी परिंदा जिसका हमला किसी मिसाइल से कम नहीं। मेड इन ईरान के कामिकाजी ड्रोन्स के ऐसे ही धमाकों की आशंका से कीव में हड़कंप मच गया। कीव के सुरक्षा में तैनात पैट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस ने अपना काम शुरू किया। यूक्रेन का दावा है कि रूस का एक भी ड्रोन कीव की जमीन को छू नहीं सका। सभी ड्रोन हवा में ही इस तरह से नष्ट कर दिए गए। हमले की शुरुआत सोमवार की देर रात से हुई। जुलाई में कीव को दहलाने की छठी कोशिश थी। 3 घंटे तक कीव के ऊपर ड्रोन मंडराते रहे। यूक्रेन ने हमले को नाकाम करने का दावा किया। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद रूस भी पहले से ज्यादा सतर्क है। यूक्रेन ने मंगलवार को ताबड़तोड़ ड्रोन हमला किया लेकिन रूस के एयर डिफेंस ने तमाम हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। रूस ने एयर डिफेंस से यूक्रेन के 35 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। लीमन इलाके में यूक्रेन के 195 सैनिकों की मौत का दावा है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में ऐसी ही माइंस लगाई जा चुकी हैं। रैबटिनो इलाके में यूक्रेन का ये टैंक आगे बढ़ रहा था तभी अचानक धमाका हुआ और माइंस के ऊपर आते ही यूक्रेन का टैंक नष्ट हो गया। वॉर जोन से आई इन तस्वीरों की डिटेल तो नहीं आई है लेकिन माना जा रहा है कि ये यूक्रेन के हथियारों का गोदाम रहा होगा जिसे रूस ने नष्ट कर दिया। वॉर जोन में कब कहां धमाका हो जाए कहां नहीं जा सकता, ये देखिए। इन सैनिकों के बस चंद कदमों के फासले पर धमाका हुआ। यूक्रेन के ये 2 सैनिक जंगल में छिपकर ड्रोन को हैंडल कर रहे थे तभी सामने से एक आर्मर्ड व्हीकल गुजरा और उसी पर गिरी रूस की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। वॉर जोन का अगला वीडियो आमने सामने की जंग का है। कौन किस देश के सैनिक है इसे समझने के लिए इस वीडियो में फ्लैग का इस्तेमाल किया गया है। 3 रंग यानी सफेद, नीला और लाल वाला फ्लैग जहां नजर आ रहा है वो रूस के सैनिक है और नीचे की तरफ जहां नीला और पीले रंग वाला फ्लैग है वो यूक्रेन के सैनिक है। देखिए कितना कम फासला है दोनों देशों के सैनिकों के बीच। यहां जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। यूक्रेन की जमीन पर अब हर तरफ नष्ट हथियारों के मलबे भी नजर आते हैं। ये अमेरिकी स्विच ब्लेड 600 ड्रोन है। रूस के सैनिकों ने इस ड्रोन को गिरा दिया है। रूस की सेना लगातार ऐसे ही यूक्रेन की आर्मर्ड व्हीकल को टारगेट कर रही है। ये ज़ेपोरिज़िया की तस्वीरें हैं। यहां मौजूद पश्चिमी देशों से आए तमाम व्हीकल और टैंक को नष्ट करने का मिशन चल रहा है। बाखमुत की ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है।
युद्ध का अंजाम क्या होता है, ये कैसे किसी खुशहाल इलाके को वीरान बना देता है, ये एहसास किया जाता है। बख्मुत किसी दिन ऐसा ही पतरंग हो जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां लाखों लोग रहते थे वहां आज हर तरफ सन्नाटा है। रूस की सेना ने बख्मुत के जर्रे जर्रे को बर्बाद कर दिया है। बख्मुत की तरह ही उंगलीदार भी तबाह हो रहा है। रूस के हमले से एक इमारत में आग लग गई और फिर पूरी इमारत ही मलबे में तब्दील हो गई। यूक्रेन की इन तस्वीरों से सर्वनाश का डर बढ़ता जा रहा है। रूस का बारूदी प्रहार इसी रफ्तार से चला तो उंगलीदार और बख्मुत जैसी हालत पूरे यूक्रेन की हो सकती है। इन तस्वीरों से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन को रूस के पावर प्लांट्स को बर्बाद करने की प्लानिंग में पहले ही कामयाबी मिल चुकी है। रूस खामोश है, लेकिन रूस के ब्रोनट आइलैंड पर मौजूद पावर ग्रिड प्लांट से निकलती आग किसी बड़े हमले का सिग्नल दे रही है। रूस के मुताबिक रिएक्टर में खराबी की वजह से आग लगी है, लेकिन अंदेशा है कि यह भी यूक्रेन का रूस में घुसकर अटैक करने के मिशन का अंजाम हो सकता है। युद्ध में रशियन पैराट्रूपर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पैराट्रूपर्स मोबाइल ग्रुप का ये वाहन बेहद छोटा है, लेकिन इससे घातक मिसाइल का हमला किया जा सकता है। छोटे से वाहन से गाइडेड मिसाइल फायर की गई और चंद सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आर्टियोमोस्क इलाके में यह अटैक यूक्रेन के एक बारूदी गोदाम पर हुआ। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध में रूस के कर्नल की मौत हो गई। रशियन कर्नल लेनिनग्राद रेजिमेंट के कमांडर थे। 14 जुलाई को रशियन सेना घिर गई थी। सुमी पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। सोमवार को रूस की सेना ने सुमी के 7 इलाकों में 100 से भी ज्यादा गोले बरसाए। सुमी में भारी गोलाबारी की वजह से भारी बर्बादी हुई है। रिहायशी इलाकों को यूक्रेन ने पहले ही खाली करा लिया था। इस बीच पुतिन के क्रोध को और भड़काने वाली एक धमकी भी यूक्रेन से आई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रजनिकोव ने कहा है कि क्रीमिया और कर्ज पुल पर हमले जारी रहेंगे। सोमवार को रूस के विदेश मंत्रालय से भी चेतावनी दी गई कि मॉस्को और क्रीमिया पर हमले का रूसी फौज माकूल जवाब देगी। यानी अब रूस की जमीन पर होने वाला एक भी हमला यूक्रेन में बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।